सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। आज होली है तो रंगोत्सव होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगोत्सव है यानी रंगों और हंसी खुशी का त्योहार होली। जहां तक बात किसी पर्व की जाए, उसे मनाने की जाए, तो इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता और बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों को, जैसे हिंदू और मुसलमानों के एक दूसरे को जगाने और एक दूसरे के प्रति प्रेम दर्शाने में विभिन्न त्योहारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय सभ्यता आपसी संबंधों और जुड़ाव से बनी है, जहां आम भारतीय हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेकर अपनी मोहब्बत, भाईचारा और एकता का परिचय देते रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों में ईद, दिवाली, होली की बधाई, गले मिलना और अगर कोई किसी प्रकार का आपसी कोई गिला शिकवा है भी तो उसे त्योहारों के बहाने मिटा देना आम बात है। होली की धार्मिक मान्यताओं के अलावा होली के रंगों में प्रेम का भी एक इतिहास है और शायद यह सूफी संतों का होली का प्रेम, होली के प्रति प्रेम ही था कि भारत में एक दूसरे के त्योहारों और मेलों में शामिल होने की एकदम सौंदर्य गाथाएं चलती रहती है। साथ ही साथ वक्त की मार ने अब उस होली के कई रंगों को बेरंग करके रख दिया है। बचपन में जिन त्योहारों को हम सब अपना त्योहार मानते थे, आज वही त्योहार एक दूसरे के त्योहार हो गए। ये तेरा त्योहार, ये मेरा त्योहार। राजनेताओं ने धार्मिक कट्टरता और नफरत फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। प्रांत, भाषा, जाति, धर्म के नाम पर पूरे देश को बांटा जा रहा है। एक दीवार सी खड़ी कर दी गई है। लेकिन समाज में कुछ ऐसी भी ताकतें हैं, ऐसे भी तत्व हैं जो उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम लगातार करते रहते हैं। ऐसी शक्तियों को, ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलना चाहिए। एक जवाब तो आप, अगर आपको देखना हो तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में चले जाएं, जहां हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है मशहूर सूफी संत हाजी वारिस अली शाह साहब की दरगाह, जहां पूरे सूफियाना रंग में होली खेली जाती है। इस दरगाह पर आपको सभी जाति और धर्म की सीमाएं टूटती नजर आएंगी। इतना प्रेम है वहां पर, जहां हिंदू और मुस्लिम मिलकर होली खेलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर होली खेलने के लिए देश भर से, तमाम कोने से हिंदू मुस्लिम और सिख इकट्ठा होते हैं और एकता का संदेश देते हैं। अलग अलग धर्मों के रंग, माला और फूलों से खेली जाने वाली यह होली अपने आप में अद्भुत नजारा पेश करती है। सैकड़ों वर्षों से यहां चली आ रही है होली खेलने की परंपरा, आज के जो विध्वंसक समाज है ना, उनके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है, उन्हें सीख देती है। वारिस अली शाह की दरगाह अवध की ही नहीं, देश की इकलौती ऐसी दरगाह है जहां पूरे उत्साह के साथ होली मनाई जाती है। राष्ट्रीय एकता द्वार पर फूलों की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। दरअसल होली बुराई को मिटाती है, बुराइयों को जलाती है और हमें अच्छाई की शिक्षा देती है। होली हो, दिवाली हो, ईद हो या किसी भी धर्म का मनाया जाने वाला कोई भी पर्व, एक बात ध्यान रखिए, उन्हें मनाते वक्त तमाम धार्मिक मर्यादाओं को टूटते देखना ताजी हवा के झोंके जैसा लगता है। लोगों को अच्छी चीजों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी देश तरक्की करेगा। ये जाति धर्म के झगड़े देश के लिए घातक हैं, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। त्योहार अपनत्व के लिए बहुत जरूरी है। होली को प्यार, सद्भाव, शांति और भाईचारे के साथ मनाएं और हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। ऐसी ही सकारात्मक और नफरत से दूर रहने वाली बातों को जानने और समझने के लिए और उसे अपनाने के लिए हमारे चैनल को, आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे परिवार से जुड़े, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अभी अभी हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं, हिस्सा बन जाएं। आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो या हमसे कुछ कहना चाहें या फिर हमारे आप कुछ हमको सुझाव देने के साथ साथ कुछ और भी टिप्पणी भी करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी खबर का विश्लेषण करते हुए, किसी पर्व की बात करते हुए या फिर आपके साथ कोई ना कोई कार्यक्रम साझा करते हुए। सिटीजन पली, ये जो हमारा परिवार है सिटीजन अलर्ट, उस परिवार की, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को पुनः एक बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
जय हिंद।